सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रेशवा एकेडमी द रेश ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। अब मिलने वाले हैं आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुपर वीआईपी स्पेशल क्वेश्चंस, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू है। ये क्वेश्चंस आपको अगर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास करनी है तो कहीं ना कहीं इसे सॉल्व करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अपने एंट्रेंस एग्जाम में आप बाकी स्टूडेंट से बेहतर मिलेंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, सुपर टेस्ट है आपका, आपको अपने लिए पढ़ना है और चेक करना है अपने आप को कि हम कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग है, स्पेशली गुड मॉर्निंग है आप सभी स्टूडेंट को। तो क्लास शुरू किया जाए, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर जी रेडी है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक करके ही स्टार्ट करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, गुड मॉर्निंग हो और बेस्ट विशेज है, आप अपने सभी ड्रीम्स को आज पूरा कर ले जी। चलो, सपना 07, रंजीत, निखिल अवस्थी, डियर रितेश कुमार, चलो अमन, इलूस जैन, चलिए सबका वेलकम है। यस सर जी तैयार है, रंजना, राजू, आर्यन, गोपाल जी, जेईई ऑफिसियर, राहुल पाल, रश्मि राव, पॉलिटेक्निक बॉय सागर, अभय मिश्रा, चलिए बहुत अच्छा, सोना जोशी। अब हम लोग देखो, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अभी पहले शेयर कर लेंगे सभी ग्रुपों में। और जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं ले पा रहे उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आप फॉर्म भरने के लिए सोच भी रखे हो तो ऐसे नहीं पास हो गए, आपको अपने लिए पढ़ना होगा और जबरदस्त पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि जब आप आराम करने के लिए सोच रहे होंगे कि अरे यार चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई को आप सोचेंगे जहां पे हम आराम करेंगे वहीं पे, आप ही के शहर से बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जब आपका मुकाबला होगा एग्जाम में उनसे तो वो आपको दबा के आगे निकल जाएंगे, राउंड के चले जाएंगे। इसलिए आप ऐसी हार तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपको भी मौका मिला, उनको भी मौका मिला और वो पास हो जाएं। तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि आप भी पास हों, इसलिए आपको रुकना नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करना है, डिसिप्लिन वे में स्मार्टली स्टडी करना है और टाइम टू टाइम स्टडी करना है। और उसको भी नहीं कर पाएंगे तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट तैयार है, स्टार्ट किया जाए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पैड क्लासेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज 11 बजे एपी क्लास है ना, 11 AM प्राइवेट क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। और आज किस ऐप पे, रेशवा एकेडमी ऐप पे, जो डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लेंगे, आपका न्यू बैचेस में ये क्लासेस चलेंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे स्टूडेंट जो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इसी ऐप में जाके अपना फुल कोर्स चालू कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, क्लियर है, या फिर इस नंबर पे 9628004708 है ना। देखो, फिर 1 तारीख से आपको न्यू बैचेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं फिर भाई वो जाने उनका काम, क्योंकि आपको मात्र और मात्र 299 रुपए में सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट फुल कोर्स है ना। और वैलिडिटी कितनी है इसकी, 1 ईयर, यानी कि 1-2 महीने का फीस नहीं, जब तक एग्जाम ना हो पूरे 1 ईयर तक आपको दिया जा रहा है। आप अच्छे से मात्र 299 रुपए में अगर पढ़ के चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए सर, तो फिर वेलकम है। तो ग्रैंड ओपनिंग कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और जितने भी स्टूडेंट लेडीज एंड लेडाज में है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज में, पहले क्वेश्चन के साथ बेहतरीन शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, एक समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक यानी कि 90 डिग्री बना रहा है,
जो बी पर समकोण बनाता है जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर ए बी 15 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है तो उसका अर्ध व्यास होगा। आपके पास 30 सेकंड है। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का मैंने ट्रिक बताया था कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हो तो कैसे करते हैं। अब याद करो, सोचो, समझो और जल्दी से आंसर बताओ। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो कितना आ रहा है गाइज? ये कौन है भाई? दिलावर हुसैन तो बहुत पहले बोल दिया कि सर 3 होगा। एरिक रोहित कह रहे हैं सर 3.5 होगा। अच्छा बी के साथ 3. अच्छा बालवीर कह रहा है सर 3। कोमल सोनी गुड मॉर्निंग है। चलो नीतीश 3 होगा। लकी बॉय ए आर आई। चलो तो पहले क्वेश्चन में ही फ्लॉप। मुझे पता था कि आप लोग फ्लॉप हो जाओगे। और जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे, वीडियो की ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, है ना। यस, आप में से कुछ स्टूडेंट ने भी सही किया है, लेकिन वहीं में गलत करने वाले भी बहुत हैं। देखो एक त्रिभुज है, कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। ए बी सी बी पर समकोण है। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। ये कैसा कोण है? त्रिभुज है समकोण, यानी कि बी पे क्या है 90 डिग्री बना रहा है। आपसे कहा है कि ये बात है कि ये जो त्रिभुज है ना, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बनाया गया है। देखो एक समकोण है जिसमें बी सी 8 है, अच्छा ए बी 15 है, और इसमें एक वृत्त रेखी क्या है, मतलब इसके अंदर ही एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा और हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस टाइप का ऐसा कुछ मान लो, ऐसा वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त रेखित किया गया है और इसकी भुजाओं की लंबाई दे रखा है कि बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो अर्ध व्यास होगा। ये जो वृत्त बना है ना, इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि त्रिज्या पूछा। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या से होती है, टोटल को व्यास बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या आर पूछी है, आर पूछी है। और इसका ट्रिक मैंने लिखवाया था, जिन्हें याद होगा तुरंत कर लेगा। फिगर बना दिए हैं, ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण? आई थिंक 17 हो जाएगा ना। हाँ 17 ही होगा। आपको पहले इस टाइप के सवालों को, क्योंकि कर्ण लंब आधार दिया है, कर्ण निकाल सकते हैं। अब बताओ ट्रिक किसे याद है? नॉर्मली करेंगे ज्यादा जाएगा, ट्रिक से करेंगे एक ही लाइन में हो जाएगा। ये तो मैंने केवल फिगर बनाया है, क्वेश्चन तो अब शुरुआत होगी। और करो, बताओ जल्दी से गाइस। चलो आर बाई एस, बहुत अच्छा। रॉयल छोरी करी सर, त्रिभुज आर बराबर डेल बाई एस, एक्सीलेंट। रॉयल छोरी का बिल्कुल सही है, कोमल सोनी का भी सही है, और कौन बताया है? हाँ सर, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। नहीं नहीं बालवीर आपका सही है, बस त्रिज्या निकालने का एक ही तरीका होता है, डेल बाई एस। क्या डेल बाई एस? डेल क्या है, एस क्या है, आपको पता है? नहीं पता है तो आज फिर से जान लेंगे। डेल इस वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस क्या है, एस बराबर देखो होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ए का मान मान लो 15 है, बी का 8 है, सी का 17 है, अब बटा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको सर? 15, 8, 23 और है ना, देखो 15, 8, 23 और 17, 40 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा। तो यस का मान आ गया 20। और डेल क्या है, डेल क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार अगुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, ये है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर, ये फार्मूला सबको पता है, और नहीं पता है तो याद कर ली। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एस का मान आपने निकाल दिया सर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से 4 को 8 को काट देंगे 4 बार में, है ना। तो 4 × 15/20, है ना, 4 × 15/20, 4 से 20 को काट दीजिए कितनी बार में, 5 बार में, है ना। तो हो गया 15/5, और 15 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, कट जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया, 3 सेंटीमीटर। और कहा था एक ही लाइन का सवाल है, एक ही लाइन में, ट्रिक याद रहेगा।
ऐसे कभी भी सवाल आए, क्या याद कर लो, जब भी कभी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाए तो नोट कर लेना कि इसका त्रिज्या आर बराबर होता है डेल बाई एस, जहां पे डेल का फॉर्मूला होता है डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ए हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, याद रहेगा, यस या नो, समझ में आया है गाइस? सभी लोग वहीं से बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, थ्री आएगा, श्री विल बी राइट, दौलत कुमार हाँ बिल्कुल सही है, राकेश का भी सही है, मुकुल, इमरान अंसारी, दिलावर हुसैन, अंशु कुमार, अतुलेश, बहुत अच्छा, रागिनी सिंह ने भी सही आंसर दिया है, एक्सीलेंट, और ग्रैंड ओपनिंग अगर आपने किया है सही तो आपका सही है, कुछ स्टूडेंट 3.5 दे रहे थे, सुधार कर लेंगे। अगला सवाल आ रहा है गाइस, तो तुरंत इसे बता देंगे, और ये सवाल इतना आसान नहीं है, मैं पहले बता दूं, जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है, अपना माइंड यूज करो, ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% है, सी की मासिक आय की 120% है, यदि बी की मासिक आय 78,000 रुपए हो तो सी की मासिक आय, एकदम बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल को सैल्यूट कीजिए, और हमने कहा था नए नए क्वेश्चन आज ज्यादा मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस अगर करना है तो सुपर स्टूडेंट है आप, नहीं तो फिर परेशान रहेंगे और कभी नहीं पास हो पाएंगे, क्योंकि यह सब सवाल नहीं करेंगे तो फिर कहीं कोई पास नहीं करा पाएगा, जो आ रहा है उसे तो करना ही पड़ेगा, है ना, बहुत अच्छा। चलो कुछ स्टूडेंट ने आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया है कि सर इसका जो राइट आंसर है बी होगा, कुछ कह रहे सर सी होगा, ओके, कुछ कह रहे सर बी होगा, कुछ कह रहे सर सी होगा, नो, बट आपका आंसर अभी भी गलत है, क्या है, अभी भी गलत है, देखो आपने क्या गलती किया, आपने इस क्वेश्चन को समझा नहीं, इन्होंने कहा है कि ए की जो मासिक आय है बी की 60% है, ए की जो मासिक आय है वो बी की मासिक आय की 60% है, तो और बी का ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं कहूं कि ए की जो मासिक आय है वो बी के मासिक आय से 78 का कितना है, 60% है, याद रहेगा, ए की जो मासिक आय है बी के मासिक आय का 60% है, और बी का दिया ही है तो यानी कितना है, तो ए का कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाओ तो 60/100 हो जाएगा, यानी कि 1020, तो ए की मासिक आय कितनी आ गई, 600, है ना, 20 आ गया, 6 × 8 = 48, 4 + 6 = 42, और 42 × 4 = 46, 46,800 रुपए ए जो है कितना कमाते हैं, 46,800 रुपए कमाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, जेई है क्या, लग रहा है जेई है, 46,000 से 47,000 जेई की सैलरी होती, यानी कि ए की पता हो गई, बी का दिया हुआ है, और पूछा किसका है, सी की मासिक आय, सी कितना कमाते हैं ये पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो इन्होंने कहा है ए की जो मासिक आय बी की तो 60% है ना, बी की तो 60% है, और वहीं पे सी की मासिक आय की 120% है, तो ए की जो मासिक आय है 46,800 रुपए, वो सी के जो मासिक आय होगी, सी की जो मासिक आय का 120% है, इनका 120% है, ए की जो मासिक आय है वो सी के मासिक आय का 120% है, दिखा दो तुरंत आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर इसका परसेंटेज हटाओ, 20 नीचे लगाओ, क्या 20 नीचे लगाओ, है ना, तो 10 से 10 कट गया, है ना, और आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10 है इधर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,800 तो है ही, 10 का करेंगे तो 10 और बढ़ जाएगा, 12 को नीचे भेज दो, यहाँ पे क्या बचा केवल सी, तो सी बराबर आंसर आ गया, सोल्व कर दो, सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काट दो 12 × 12 = 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 3 × 12 = 36, 10 लगा यानी 108 हो गया, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 9 = 108, है ना, 9 बार में गया, कट गया, 1, 2, 3 बचा, 1, 2, 3, तो सी जो है कितना कमाते हैं, 39,000 रुपए, कितना 39,000 रुपए, और ये ऑप्शन नंबर बी के साथ है, एकदम कठिन सवाल और एकदम आसान सा आंसर, देख रहे हो इतना बेहतरीन सवाल था, और किसका किसका बी आया है, ए कौन कह रहा था, ए हे हे, मौसम सुहानी ने तो 41,000 बोला था, और मूड ऑफ कौन है भाई, ए बोला था, देख लीजिए
हमने कहा था ना इतनी जबरदस्त आप गलतियां करेंगे और एग्जाम में करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ना 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 ना, आप गलती करते हो बट आप उसे मानते नहीं हो। दिक्कत यही है कि आप उसे मानना नहीं चाहते हो। और सबसे मैं जरूरी बात बता दूं, आप लोग को लगता होगा आप तेज हैं बट आप है नहीं, सच बात बताएं तो आप तेज नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अब ऐसे सवाल अगर कोई नहीं करके जाता है, ये लिख के रख लो वो पास नहीं है, नहीं पास हो पाएगा। और मैं जानबूझ के आपको ऐसे नए नए सवाल करवाता हूं ताकि आप पास हो जाएं, और फिर भी नहीं पास हो जाएंगे तो भाई क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? जल्दी बताओ तभी, क्योंकि गलत बहुत कर रहे हो, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग को पास कैसे करोगे यार। जल्दी से बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो? यस सर जी। चलो रितिका वर्मा, देखो ये सब माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट ध्यान से समझो, मैं जानबूझ के इन सब सवालों को करवा रहा हूं कि आप ऐसे सवाल किए रहो, आप एग्जाम में ना फेल हो। यहां चलो ठीक है, गलती करोगे, यहां पे 10 गलती भी करोगे तो भी माफ है, एग्जाम में गलती करोगे तो मुंह बना के आ जाओगे, पिताजी से भी नहीं बता पाओगे रिजल्ट, माताजी से भी नहीं बता पाओगे, और रिजल्ट बना के आओगे तो पिताजी को बताना नहीं होगा, पिताजी फिर दूसरे को बताएंगे, माताजी है मेरा बेटा या मेरी बेटी है सरकारी कॉलेज पा गया, और अगर जानते होंगे तो बता देंगे नहीं 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 रेशवा एकेडमी से पढ़े थे, इंजीनियर अशोक सर जी से पढ़े थे। और ये रियलिटी बता रहे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पिछले साल, उनके पेरेंट्स डायरेक्टली हमको जानते भी हैं, है ना, और रिजल्ट आने के बाद भी किए कि नहीं नहीं सर आपके वजह से बिटिया ने अच्छा नंबर लाया और काफ़ी बेहतर रिजल्ट बना, है ना। कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी अपने तरफ से मिठाइयाँ भी भिजवाते हैं, सबका शुक्रिया है जिन्होंने ऐसा ऐसा किया है, और जो इस बार हैं उम्मीद करेंगे कि आपके पिताजी 100-200 रुपए और खर्च करें, और खर्च करवाएंगे उनसे हम ही, है ना। बस तैयार रहो तुम लोग पिताजी के पैसे को खर्च करवाने के लिए, क्योंकि ये खुशी के पैसे हैं, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, 3 महीने बाद 2 महीने बाद सोच लो कि आपका जब एग्ज़ाम रिजल्ट होगा तो कैसी फीलिंग होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप काम किए हैं तो ये आपके नॉलेज में रहेगा ना कि हमने पढ़ के दिया है, आपने मेहनत से लिया है, तो मेहनत से जो चीज़ें मिलती है ना उसकी कीमत वो जानता है, संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सब लोग आपके जैसे हैं, और यही में रेगुलरिटी डिसिप्लिन और स्मार्ट स्टडी के थ्रू वो अपने आप को बेहतर कर लेंगे। चलिए हम लोग, यस सर जी मैं खिलाऊंगा, हाँ देखो ये सब तैयार हो गए, विशाल गुप्ता कह रहे लेट हो गए। अब जो लेट होता है बाद में देखता है ना, वैसे स्टूडेंट को छोड़ दो, वो कभी जब डिसिप्लिन नहीं हो सकते तो रिजल्ट की मैं उम्मीद कैसे कर लूँ उनसे, मैं रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआईपी सवाल है, कभी कभी नहीं कई बार पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एक नल है, क्या है, एक नल है किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल है उसे, हौज का मतलब टंकी, आपके घरों में टंकी चल रहा होगा, मान लो कोई टंकी चलता है 10 घंटे में पूरा भर देता है, अच्छा दूसरे नल से भरते हैं तो दूसरा उसे 20 घंटे में भरता है, कोई कहता है तीसरे वाले से भर के तो वो तीसरा वाला उसे 30 घंटे में भरता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे बाद हौज पूरा भर जाएगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपके सामने है। अच्छा इसका भी ट्रिक है, ट्रिक किसे याद है कोई बताएगा ऐसे सवालों का? देखो आप आंसर मत दो, बस समय ट्रिक बता दो, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था आप भूल चुके हैं मुझे पता है, अब आप मानेंगे नहीं कि आप भूल चुके हैं, जबरदस्ती करेंगे और गलत भी करेंगे, तो आंसर पहले ट्रिक बताओ। चलो रंजना मौर्य बताओ क्या होगा, इनोसेंट लड़की एमडी शमशेर आलम बताइए डियर इसका ट्रिक क्या होगा, कोई भी नहीं नहीं, चलो काजल मौर्य, आर्यन मौर्य बताओ भाई, रविंद्र राज सी आंसर कर रहे हो, कोमल सोनी आंसर, चलो बताओ, कोई नहीं अभी तक किसी का ट्रिक नहीं आया, मुझे पता है ए बी सी डी डी करोगे तो 4 में 1 सही हो ही जाएगा, तो यही कमी है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है
तो आंसर करेंगे कैसे करेंगे, किसी का भी नहीं आया। देखो इतना देर हो गया, सब के सब जाके क्या कर रहे हैं, भैंस चला रहे हैं, आंसर करने में दिक्कत हो रही है। सर मेरा नेम नहीं ले रहे हैं, देखो ये नाम के चक्कर में पड़ा है प्रदीप, इतना इसको पीटेंगे। सर दूसरे तरीके से किए हैं, अच्छा कोमल सोनी करे दूसरे तरीके से, देखो वो तरीका ठीक है, इसका ट्रिक नहीं याद है। दो नल हो तीन नल हो तो इसका ट्रिक होता है आपसे पूछे पूरा कितने घंटे में भर जाएगा, तो टाइम बराबर होता है एक्स वाई जेड, एक्स ए द्वारा वाई बी के द्वारा भरा गया समय है, जेड सी के द्वारा, यानी कि तीन नल है अलग अलग एक्स वाई जेड घंटे में भरते हैं, तो 10 20 और 30 घंटे में भर रहे अपॉन में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। बस याद कर लो तीन नल है, या फिर वैसे सवाल दे दे कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 20 घंटे में कर सकता है, सी 30 घंटे में कर सकता है, तो तीनों एक साथ कितने घंटे में कर सकते हैं वैसे दे देता है, या फिर दो की बात करता है तो क्या होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी आपको याद होना चाहिए जब दो की बात करे तब, और तीन की बात करे तो ये दोनों याद कर लो, लिख लो नोट कर लो काम देगा। चलो हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई जेड यानी कि ए बी सी का मान रख दो, एक्स जो है 10 घंटे में करता है, वाई जो है 20 घंटे में करता है, और सी जो है 30 घंटे में करता है, अपॉन में 10 गुणे 20 क्या 10 गुणे 20 एक्स वाई हो गया प्लस वाई गुणे 30 यानी कि वाई जेड और जेड एक्स। सोल्व कर दीजिए ऊपर कितना हो गया, एक दूना दो और तीन यानी कि तीन और एक दो तीन जीरो, एक दो तीन जीरो, या फिर वैसे ही रहने दे क्या, हाँ वैसे रहने देंगे तो और आसानी से हो जाएगा, इसको सॉल्व ही ना करो क्योंकि अभी काटना है ना, तो ऊपर का वैसे ही रहने देते हैं, नीचे का सॉल्व कर दो, 10 का गुणा 20 करेंगे तो 200 हो गया, और 200 और ये तीन दोनों 6, 2 और 600 हो गया 800 हो गया, और ये तीन यानी कि 900, टोटल नीचे कितना आ गया 900 आ गया, कितना आ गया सर 900 आ गया, इसे काट दे क्या 1020 1020 कट गया, यस सर, तीन से नौ को काट दिया कितनी बार में, तीन बार में है ना, तीन बार में, अच्छा सॉरी 8 3 11 यहाँ पे 1100 हुआ था, मैंने बाई मिस्टेक मैंने 900 लिखा था, ये नीचे 9 और 3 1100 आ रहा था है ना, तो ये 1100 हो गया था, तो 1020 हम लोग ने कट कर दिया था, ऊपर कितना बचा 3 2 6 और 6 का गुणा 10 में करेंगे 60, ध्यान दो 60/11 कहीं पे है आंसर, ये आंसर आ चुका है, अच्छा सही बटा में किया तो 11 से 60 को भाग दो 11 5 55 5 बचा 55 और 5 60, तो ये रहा इतने घंटे बाद आपका नल जो है भर जाएगा, 5 सही 5/11 ऑप्शन नंबर सी। और याद रख लो केवल वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, सही किया है आपने या फिर गलत किया है मिला लीजिए, चाहे जो भी तरीका यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अलग अलग किया होगा 1/10 1/20 1/30 उससे भी आएगा, उसका ये दो लाइन कम करने वाला तरीका है, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में तो यहां से करेंगे ना, क्योंकि ये तो आपके लिए मैं बताया हूं, और नहीं याद है तो इसको नोट कर लो ट्रिक को, एग्जाम में आप डायरेक्ट यहां से करेंगे तो एक और दो ही लाइन में सीधे आंसर हो जाएगा, और लाइन थोड़ी इतू सा है अरे ये तो एक ही लाइन में, अगर सीधे सीधे करोगे तो एक लाइन का ये सवाल है, समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं वहीं से बता दो गाइस, और समझ में आ चुका है तो लाइक करके वहीं से बता देंगे कि हाँ सर जी आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है आपको पास कराने के लिए, आप चाहोगे फेल होना बट आपको पास कराएगा, याद रहेगा यस सर जी याद रहेगा, सर जी डी होगा सी नहीं है, 5 सही 5/11 अच्छा हाँ सॉरी मैंने आंसर टिक करने में गलती कर दिया है, इसको डी मैंने बोलना था है ना, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, हम 5/11 को ध्यान दे दिए थे, डी हो जाएगा, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा, कौन बताया था, थैंक यू भाई जिसने भी बोला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल फिर से आपके लिए है, और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इस किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, देखो ये चारों का अलग अलग डिफिनेशन और अलग अलग मतलब होता है, आपको याद होना चाहिए केंद्रक क्या होता है, आपको याद होना चाहिए परिकेंद्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए लंब केंद्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए अंतक केंद्र क्या होता है, ये चारों वर्ड अलग अलग हैं और सबका अलग अलग मतलब है, और सबके बारे में बताए हैं हमने
त्रिभुज वाले चैप्टर में, त्रिभुज का चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे पहले इन्हीं सबको बताया है त्रिभुज की प्रॉपर्टीज में, और नहीं है तो आप चैप्टर नंबर 22-23 में जब त्रिभुज स्टार्ट है वहां से कर लेंगे। चलिए गाइस, तो आपने आंसर किया सुधीर प्रजापति ने कि सर बी परिकेंद्र, अंकित मौर्य कह रहे सर डी अंतकेंद्र, लो पांडव सिंह बिहारी कह रहे सर सी होगा, ओके क्या बात है। काजल मौर्य बताओ भाई सी कह रही है, सुधीर कुमार कह रहा है ए होगा, एम एस धोनी कह रहा है सर डी होगा, आई एस देविका कह रही सी, देविका का भी आंसर सही आता है, रंजना मौर्य कह रही सर लंब केंद्र होगा। चलो बहुत अच्छा किए, देखो इसका मतलब समझो, त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज कैसा है मान लो इस टाइप का एक त्रिभुज है, ठीक कर रखा कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु, इसका शीर्ष बिंदु ये है, इसका ये है, इसका ये है, ए बी सी नाम अगर देना चाहते हो तो दे दो। अब फिर इन्होंने ये कहा है कि सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर, यानी कि यहां से सामने वाली भुजा पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, यानी कि 90 अंश पे होना चाहिए, ये नहीं कि यहां से ऐसे डाल देना, ना ना ना, ऐसा लाइन सामने वाली भुजा पे करना है वो परपेंडिकुलर हो, चाहे यहां से भी करोगे तो भी यहां पे क्या होना चाहिए 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, या फिर यहां से भी करोगे तो यहां से क्या होना चाहिए 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, क्या ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है स्मार्ट स्टूडेंट, इसके बारे में इन्होंने पूछा है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है ना, इसके बारे में पूछा है कि इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है, देखो सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं तो जो बिंदु मिलेगा उसका नाम होगा, याद रखो लंब डाल रहे हैं तो लंब केंद्र, क्या लंब केंद्र, लंब केंद्र, तो इसका नाम क्या होगा ऑप्शन नंबर सी लंब केंद्र, क्योंकि तीनों भुजाओं के लंब के द्वारा बनाया गया है तो इसलिए लंब केंद्र कहलाएगा, याद रख लेना। और सबके बारे में जानना है तो एप में वीडियो लगा हुआ है त्रिभुज वाला चैप्टर, खोज के आज ही देख लेना, इसके अलावा भी बहुत सारे नियम मिल जाएंगे, राइट याद रहेगा ना, हाँ सी विल बी राइट, बहुत अच्छा। मनमोहन सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, पेट ले ग्रेट हो आज लेट हो गया हूँ सर जी, अच्छा सर जी ग्रेट हो आज लेट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये सवाल फिर से सभी केवल बेहतरीन स्टूडेंट के लिए गजब का सवाल है एकदम, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, दो लंब ए बी तथा सी डी एक दूसरे को लंबवत हैं, अगर ये सवाल कर लिए तो समझ लो कि ये प्राइज वाला सवाल है, ये सवाल प्राइज वाला सवाल है, मैं प्राइज नहीं दूंगा बट आप क्या करोगे फिर भी प्राइज पा जाओगे, है ना, ये लीजिए आपके सामने सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है, आप आंसर कीजिए, एक वृत्त है तो एक वृत्त ड्रॉ कीजिए, है ना, एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए, कर रखा है जिसका केंद्र ओ है, सेंटर क्या है ओ है, दो लंब ए बी और सी डी, दो लंब हैं, इसका नाम दे दो एक लंब ए बी और दूसरे का सी डी, है ना, आप ऐसे दे सकते हो सी डी, सी डी, अच्छा ध्यान देना है आप फिगर को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा एक वृत्त जिसका केंद्र दो लंब ए बी सटा दूसरे एक दूसरे के लंबवत हैं, है ना, पहली बात लंब है तो ये तो बीच से ही जाएगा, कहाँ से जाएगा बीच से जाएगा, है ना, तो ये वाली जो ए बी बना रहे हो आप यहां से बनाओगे बीच से, बीच से का मतलब यहां से एकदम सेंटर से होकर जाना चाहिए, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, सी डी, है ना, ये 90 अंश का कोण किधर से भी देखेंगे 90 अंश का ही बनाएगा, आपसे कहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के लंबवत हैं, जीवा बी सी की लंबाई क्या है, ये बी सी है कहाँ पे भाई, ये बी सी यहाँ पे है, आपसे कुल मिला जुला कि ये बी सी की लंबाई पूछा है, तो कैसे निकालोगे, अब फिगर बन चुका है, आंसर बना दोगे तो समझ लो सुपर स्टूडेंट हो आप, सुपर स्टूडेंट हो गए, अगर ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कुछ भी नहीं दिया है फिर भी सब कुछ पूछा है, देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनो, आप आंसर कर लिए, किसका किसका आंसर आ चुका है, गिनी कह रही सर सी हो जाएगा, अच्छा सर एक बटा दो
एक बार वन बाई टू रूट ए बी, मुकुल कह रहा है, दिलावर कह रहा है सर सी होगा। अच्छा सी के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं है ना। रंजना कह रहे सर एक बटा दो रूट ए बी, एक बटा रूट टू ए बी, एक बहुत अच्छा। ये सवाल जितना कठिन था कविता ने भी सी कहा है और सबने सी कहा है, तो चेक करते हैं सी कैसे आया। ध्यान दो ये कैसे निकलेगा आप यार, अगर केवल इसको ध्यान दो, सबको छोड़ दो, ये आधार है। अच्छा ये वृत्त की त्रिज्या है ना तो आर होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो आर होगी। ये अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर निकालोगे तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में टू आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए तो आर रूट टू, आर रूट टू। ये वाली वैल्यू कितना हो गई इस वाली भुजा की लंबाई, आर रूट टू, बस हो तो गया। बट ये आर में नहीं दिया, अगर ऐसे पूछता तो आर रूट टू कहीं लिखा होता ना, वही आंसर सही होता है। आपको सारा आंसर ए बी में दिया है, ए बी कहां पे भाई, ये यहां पे है। ए बी क्या है, अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा। अगर हम बात करें कि सर ए बी जो है, ए बी कितना हो जाएगा, आर और आर, यानी कि टू आर के बराबर है, टू आर के बराबर है ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बी बटा दो, आर बराबर ए बी बटा में दो। लीजिए आपको आर की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, इस वाली भुजा की लंबाई कह लीजिए, इस वाली भुजा की लंबाई जो कि बी सी थी, बी सी बराबर, अभी आपने कहा कि सर आर रूट टू होगा, आर रूट टू होगा, आर की वैल्यू आपको पता है ए बी, तो यहां पर रख दीजिए, यानी कि आर के जगह पे ए बी बटा में दो, और रूट टू है तो रूट टू रहने दीजिए। और ऐसा आंसर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसको और सॉल्व किया, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, और रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे गुणा कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा। रूट टू से ऊपर करेंगे तो ए बी तो पहले से है ही, रूट टू का रूट टू में करेंगे तो केवल दो हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और नीचे टू रूट टू हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। तो ध्यान दो, इसी दो से इसी दो को काट दो, क्या बचा, ऊपर ए बी बचा और नीचे क्या बचा, रूट टू बचा। अब मैच किया क्या, देखो अब मैच किया, ए बी बटा में रूट टू, ए बी बटा में रूट टू, ऑप्शन नंबर सी सबका सही है, जिन्होंने सी कहा था बहुत बहुत कंग्रेचुलेट है कि आप इस कठिन सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिए, एक्सीलेंट है। सर आईईआरटी का फॉर्म कब आएगा, यूनिक बॉय आईईआरटी का फॉर्म, देखो आईईआरटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं रुक जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट आईईआरटी में है, मैं कॉन्टेक्ट करवाता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि अभी क्लियरली नहीं बता पाएंगे, कॉलेज से कंफर्म हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली आप लोग को बता दूंगा है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आईआरटी में एक दो बच्चे नहीं है, मान के चलो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे कोचिंग से आईआरटी में, तो बहुत ज्यादा, और सोच रहे हैं कि आईआरटी का एग्जाम चल रहा है। अरे रे 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 रे, ये क्या, ये कहाँ से आ गया भाई, बैक किया जाए, ना 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 ना, आ गया आ गया आ गया। हमारा तो ऐसे दिल धड़कन किडनी सब धड़कने लगा कि लग रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चंस गया, तब तो मज़ा नहीं आता अगर चला जाता तो है ना। आपने आंसर इसका किया, अच्छा समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर लेंगे, और वैसे स्टूडेंट देखो जो ज्वाइन नहीं किए हुए, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ टेलीग्राम में ज्वाइन जो है उसको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम का नाम क्या है मैं फिर से बता दूं आप लोग के लिए जिनको नहीं मालूम है, फ्री पीडीएफ कैसे मिलता है, फॉर फ्री पीडीएफ 300 से अधिक पीडीएफ मैं पहले ही दे रखा हूं, जिसे चेक करना है जाके ग्रुप में चेक कर लेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना होगा आर ए सी ई रेश वा अकेडमी है ना, अकेडमी कहाँ पे, टेलीग्राम में है ना, ज्वाइन कर लेंगे आज ही, फ्री का क्या है, ज्वाइन टेलीग्राम, फ्री ग्रुप आप लोग के लिए दिया गया, जिसमें सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पीडीएफ से लिंक सब कुछ इसमें अपडेटेड रहेंगे। अगर इस ग्रुप में हैं तब तो ये समझ लो कि आप सबसे फास्ट हो, आगे रहोगे, कोई भी चीज आपसे छूट नहीं सकती अगर वो पॉलिटेक्निक की है। जैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप करते हैं वैसे ही टेलीग्राम है, टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आज ही डाउनलोड करके चला लेना, फिर जब आईडी बन जाएगी तो उसमें सर्च कर लेना रेशो एकेडमी। कितने स्टूडेंट इसमें से हैं टेलीग्राम में,
अच्छा रविरंजन कुमार, रवि कह रहा सर ब्लू रे चश्मा का ऑनलाइन लिंक ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मार्केट में बहुत रुपया लेता है। महंगा मिलेगा भाई, मेरे पहले ही बता दे रहे हैं महंगा मिलता ही है। ब्लू रेज के जो ग्लासेस होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकते हैं, ये वाला मेरा जो चश्मा है ये 1600 का है ना। एक और लाए थे तो वो थोड़ा सस्ता था, बट ये रोबोट द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ब्लू लेंस कार्ड से मंगाओगे तो उसमें आदमी या औरत काम नहीं करते हैं, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत ही ऑफर चलते रहते हैं तो ऑफर में करा लोगे, कम में भी हो जाएगा। अरे अभी बहुत का सवाल है भाई, अभी तो होमवर्क का आंसर मांग रहा है। अरे रे रे अभी तो घबरा गए क्या? ओहो घबरा गए क्या? पढ़ाई बंद कर दिए? मम्मी आ गई क्या? मम्मी आ गई क्या काम करवाने के लिए? सुनो ऐसा क्लास है कि मम्मी से भी पिताजी से भी तुम लोग को लड़ना पड़ेगा, है ना, मम्मी से भी और पिताजी से भी। क्यों लड़ोगे? पढ़ाई के लिए। चलो इसको बड़ा करते हैं। अब ध्यान दो, आपसे कहा है, ये नया सवाल है, जिसका केंद्र ओ है, ओ है आकृति दर्शाई गई कि जीवा ए बी, ए बी केंद्र से 80 अंश का, 80 अंश का कोण बनाती है, ए पी बी, ए पी बी यानी कुल मिला जुला कि ये वाला एंगल पूछा है। अरे वाह, बिना पेन और कॉपी के सॉल्व हो गया, बता दो मेरे दिमाग में इसका आंसर आ चुका है, नया सवाल, और तुरंत मैंने आपको दो दिन पहले, मात्र दो दिन पहले ऐसा सवाल करवाया था, याद है जब वृत्त का मैं केवल करवाया था फिगर वाला क्वेश्चन, तो इसके जैसा यह सवाल नहीं था, इसी के जैसा था। तो कितना आ रहा है? डी होगा। कुछ कह रहे सर 140 होगा, विजय विश्वकर्मा कह रहे सर 140 होगा, और कुछ कह रहे सर डी, ना नाम दीजिए, इसमें से तो होगा ही नहीं। ये कौन है भाई? कार्तिक आर्यन कह रहा सर 100 होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 100 होगा सर, ए होगा। ज्योति कह रही सर ए हो जाएगा, बहुत अच्छा आपने कहा सर, ए हो जाएगा, है ना, ओके। कुछ कह रहे 140, अरे पूजा कुमारी 140 आ रहा है, अच्छा, अरे रे रे रे, मोहन मुन्ना कुमार सब 140, यानी कि 70% स्टूडेंट 140 के साथ जा रहे हैं, कुछ 100, कुछ 100, रंजना ने 140 ला दिया है, बहुत अच्छा। और कोई महान स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे तुरंत, बट लाइक नहीं किए हैं आपने, एक बार अभी लाइक कर लीजिए सभी स्टूडेंट, फिर इसका आंसर मैं बता देता हूं तुरंत, 5 सेकंड दे रहा हूं, ये लाइक की संख्या तुरंत बढ़ जानी चाहिए, और कह दूं तो बिना पेन और कॉपी के, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इसी में बता देंगे और आप भी कर ले जाओगे। हाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और लाइक 10-20 स्टूडेंट और लाइक कर लेंगे जो नहीं किए हुए हैं। लाइक में कंजूसी, नो नहीं चलेगा। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, त्रिभुज के सॉरी ये वृत्त का टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है ना, होता है। अगर इधर का 100 सॉरी इधर का केवल 80 है ना, तो इधर का ये वाला पूरा कितना होगा? 360 में से कम कर दीजिए, यानी कि 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 280, यानी उधर का 80 है तो इधर का कितना हुआ? 280। ये 80 घाट नहीं है बनारस का, 80 डिग्री है ना। इधर का कितना हो जाएगा एंगल? 140। अच्छा 280। अब आपको पता है कि जीवाएं हो, अब वह केंद्र पे कोण अगर पूछे तो ये वाला कोण जो होगा एंगल ए पी बी जो पूछा है, ये हमेशा हमेशा आधा होता है इस बाह्य कोण का। किसका? बाह्य कोण का, बाह्य कोण का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दो ही दिन पहले कि इस बाह्य कोण का आधा होगा, होता है ये नियम है। तो ये 280 है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बी वाले स्टूडेंट का सही है, ए वालों का गलत है, डी वालों का गलत है, सी वालों का गलत है। कहा ना ये पूछा है तो आप बाह्य कोण निकाल दो, है ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, यस। दूसरे तरीके से बताएं, बोलो दूसरे तरीके से भी बता दें कि हो जाएगा। ध्यान दो, थोड़ा सा आपको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, खोपड़ी को उल्टा करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहोगे सर नहीं आया। देखो ध्यान दो, ये जो जीवा ए बी है
केंद्र पर बना रही है कोण कितना 80, केंद्र पर कितना बना रही है 80। अगर इसकी परिधि की बात करें, यहां पे अगर ये 80 डिग्री बना रही है तो यहां पे कितना बना रही होगी, आपको पता है इस फिगर को हम लोग ऐसे देखा करते थे, अब इधर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे ध्यान से, नहीं ऐसे मुंडी टेढ़ा कर लो तब दिखेगा, है ना। इधर से देखो कि ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ कि कुछ है, अगर केंद्र पर बना है कोण 80 तो परिधि पर बना कोण इसका आधा होगा, यानी केंद्र पे दुगुना होता है ना, तो ये कितना होगा सर, ये 40 होगा, 40 हो जाएगा अपने आप, 40 हो जाएगा इधर 40। अब देखो ये त्रिभुज बन गया ए बी, इसको नाम कुछ भी दे दो, यानी कि ए मान लो ये सी नाम दे दो, ए सी बी, एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं, और यह चतुर्भुज कैसा है, चक्री चतुर्भुज। देखो इसका कोण और इसका, यानी कि आमने सामने के कोणों का युगफल चक्री चतुर्भुज का कितना होता है, 180 होता है, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तभी तो इसको और इसको मिला के 180 होना चाहिए। तो चाहे जिस भी तरीके से करो आपका आंसर याद रहना चाहिए, और बिल्कुल गिनी 40 + 40 = 140। अच्छा ठीक है, बालवीर सर दिल्ली पॉलिटेक्निक में भाई ये क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल आयता भी है दिल्ली पॉलिटेक्निक में। देखो किसी भी पॉलिटेक्निक में अगर मैथ का नाम आएगा तो ये सब सवाल जरूर आएगा, है ना, टेंथ बेस पे है ना। लीजिए एक और सवाल जो आप गलत करना चाहते थे, मैं लाई दिया, गलत करके आंसर बता दो, न्यू सवाल है आप लोगों के लिए। आपसे पूछा है बी सी ए, ऐसे सवाल आए ना सब छोड़ दो, लास्ट को देखा करो, बस पूछा क्या है वो देख लो फिगर में कहा है, बी सी ए कुल मिला जुला के आपसे क्या पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है बी सी ए, क्या बी से सी पे गए ए पे गए, ये वाला एंगल पूछा है, बता दोगे क्या, बता दोगे क्या। और एक कंडीशन दे रखा है, 13 आंसर किधर है, क्वेश्चन इधर है, विशाल कह रहा सर जी जो सेट दिए है किसी किसी का दो दो आंसर है तो कैसे सही करेंगे, जिसका दो आंसर है ना सेट में उसमें से एक किसी स्टूडेंट द्वारा किया गया है और दूसरा जो सही आंसर है, तो दोनों में एक सही होगा, अब आपका जो आ रहा है उससे मैच करा लेना, क्योंकि वो जो पेपर है ई बुक का वो ओरिजिनल पेपर है और उसका आंसर हम नहीं दिए हैं, हम ना कुछ किए हैं, वो बोर्ड द्वारा ऑलरेडी वेबसाइट से जनरेट किया गया ओरिजिनल पेपर है, 100 क्वेश्चंस के जो हिंदी और इंग्लिश में ई बुक में है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो ऑफिशियली पेपर है और उसका आंसर भी वही है, बट आप लोग अपने तरीके से उसे करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, एक सेट फ्री में है, जाके देख लेना, सेट नंबर 9 उसमें फ्री में ऐड है सर, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है, कैसे 108 आया पहले ये सोचना है। AD कहाँ पे है भाई, AD ये वाली भुजा, AD तो ये है, BD ये है, ये दोनों बराबर है, क्या कर रहा है, बराबर है, क्या है, बराबर है। अच्छा बराबर है इसका मतलब क्या समझे, कि बराबर है तो ये अगर 36 बना रहा है एंगल तो ये भी कितना होगा, 36 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वाली भुजा जितनी है उतनी ही ये है, तो ये 36 बना रहा है तो ये भी 36 बनाएगा, याद रहेगा, यस सर याद रहेगा, क्योंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। अच्छा सर ठीक है समझ गए, अब क्या करें, देखो अब ये ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये डी है, इन सबको जोड़ने पे यानी कि 36 + 36 और एंगल डी, इसको जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, क्योंकि इस कोण और इस कोण को मिला के त्रिभुज के तीनों कोणों का युगफल 180 होता है, तो डी कितना हो जाएगा, अब बताओ डी कितना आ गया, तो को सर 36 36 72, डी बराबर 180 में से 72 माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा, कितना 108 आ जाएगा। आपको पता है, क्या पता है, कि वृत्त के नियम के अनुसार, वृत्त के नियम के अनुसार क्या होता है सर, अगर ये जीवा है, आप यहाँ कोण बनाओ, यहाँ बनाओ या फिर यहाँ कहीं पे भी बनाओ, ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, है ना, ये नियम है और मैंने बताया भी था, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल डी जो है वो बराबर होगा एंगल सी के,
यानी कि एंगल सी जो पूछा है बी सी ए ये भी उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। ये 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा, है ना। एकांतर वृत्त खंड में बना कोण हमेशा बराबर होता है, याद है। और अर्धवृत्त में अगर ये सेंटर से रहता, सारा के सेंटर नहीं है, सेंटर तो इसका कहीं और बीच में होगा, अगर ये सेंटर से रहता अब कोण बनाता तो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है बिना कुछ किए, आपको पता है, ठीक है। याद रहेगा कि भूल जाओगे, बोलो, याद रहना चाहिए। समझ में आ चुका है गाइस? यस। हाँ सर जी, ग्रुप में ज्यादा मैसेज आ रहा है। अच्छा रीति कह रहा है, चलो ठीक है, तुम कह दिए तो ग्रुप बंद करवा देते हैं, है ना। तुम लोग को टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप दिया गया है कि तब पढ़ाई करो, पढ़ाई वाले सवाल पूछो, और तुम लोग मैसेज कर रहे हो, तुम लोग पे अब FIR करवा देंगे सबके, सबका चालान कट जाएगा जो बिना मतलब के मैसेज गुड मॉर्निंग हाय हेलो कैसे हो कहाँ से हो ये सब करोगे। अच्छा इंजीनियर निखिल करा सर, जो क्लास बंक मार रहा है उनकी आईडी बंद करा दीजिए। माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, आपको मैं पहले ही बता दूं, वो कहना नहीं है, वो ऑलरेडी बंद हो जाता है, और जिनका बंद हो गया है वो सोचो कैसे परेशान होते हैं। हम इस चीज को नहीं बताते क्योंकि वो हम करे या ना करे वो कंप्यूटराइज है, कि अगर कोई क्लास ज्यादा दिन पेड क्लास की बात कर रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद जुड़ा हुआ है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी आईडी डिसेबल हो जाएगी। अगर आप डिसेबल होना चाहते हैं तो वो भी डिसेबल कर देगी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पैसा लगाए हैं तो पढ़ाई करेंगे, बस एक ही नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुपर, देखो सारे के सारे सवाल क्या है, स्पेशल एंड न्यू क्वेश्चन आज, तो आज तो आपका दो रोटी बढ़ाकर खाएंगे, दिल गार्डन गार्डन पहले सही हुआ, क्योंकि सभी स्पेशल सवाल आज कराए जा रहे हैं, है ना, सभी के सभी स्पेशल सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दी गए समीकरण है का एक्स का मान होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन है। चलो इनोसेंट बताओ। सर कल प्राइवेट क्लास हुआ था, अरे महाराज प्राइवेट क्लास का दिन तुम्हें नहीं पता है, ग्रुप में पूछ लिए होते किसी से। चलो भाई सतीश कितना आ रहा है बताओ, आरा जिला, आरा जिला कोई नहीं सर, क्लियर है। हाँ चलो गोल्डी रघुवंशी, और शाम को 5 बजे, क्या शाम को 5 बजे क्लास 12th के जितने स्टूडेंट हैं, जो क्लास 12th इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, लाइव क्लासेस इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स मैं ले रहा हूँ, आप सभी लोग हमारे नए चैनल यानी कि जस्ट 12 क्लासेस पे आ सकते हैं, आपका स्वागत है। क्या जस्ट 12 क्लासेस पे आ सकते हैं, आपका स्वागत है। शाम 5 बजे आपके ग्रुप में लिंक शेयर हो जाता है तो आप वहां से आ सकते हैं, है ना। चलिए इस सवाल को ध्यान देंगे, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या रखा है कि x/3 माइनस y/2 -y/2 = 1। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, आप क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ने पर मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने, y/2 पॉजिटिव में, y/2 नेगेटिव में, कट गया 2x/3 और x/3 जुड़ जाएगा, है ना, और ये 4 और 1 5 जुड़ जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो 2x/3 यानी कि एलसीएम लेंगे 3 होगा, 2 और x 3x हो जाएगा बराबर 5, तो 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना बचा 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गया, ये तो 5 आ गया, सही है। अरे भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम लोग सही किए हो, मुझे पता है इसका आंसर 99%। अब देखो कुछ कह रहे सर जी क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दे रहा है तो डाटा बचा के क्या देखोगे, कैटरीना कैफ की शादी का वीडियो देखोगे, अरे डाटा क्वालिटी बढ़ा लो, वीडियो को कम से कम, तुम लोग एकदम गरीब स्टूडेंट हो, 360 पे भी नहीं चलाओगे तो किस पे चलाओगे भाई, नहीं आ जाना कोचिंग में, तुमको 200 MB/s वाला वाईफाई से जोड़ देंगे, फिर चलाना 4K में नहीं रुकेगा, है ना। तुम लोग के लिए नेट का प्रॉब्लम हुआ था, एक ही दिन हुआ तो डाटा स्पीड
चेंज करवा दिया गया। हम लोग के यहाँ जो 5G का केबल आया है उसमें 200 MB पर सेकेंड देगा, बहुत ही स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आयु वाले सवाल, फिर से नया सवाल, आज तो तुम लोग की मौज है एकदम, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग कि आपकी मौज है एकदम। देखो, एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी पत्नी की आयु के प्रति अनुपात 5 और 4 है। आदमी है और आदमी की क्या है, पत्नी है। आदमी है और उनकी क्या है, पत्नी है, धर्म पत्नी है ना। आदमी की आयु और पत्नी की आयु का जो अनुपात है 5 और 4 का है, तो ये 5x होंगे तो ये 4x होंगे, यही ना, ठीक है। जब आदमी 35 वर्ष का था, है ना, हो सकता है उस समय उसकी शादी ना हुई हो, जब आदमी 35 वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु, अच्छा शादी हो चुका था जब 35 वर्ष का था तो अभी उसकी पत्नी थी, और उनकी जो आयु थी उन दोनों की आयु के औसत मान से 5 वर्ष कम थी आदमी की वर्तमान आयु। गलत कर ले जाओगे, चलो अब आंसर बताओ, मुझे पता है तुम लोग गलत करोगे, 5% स्टूडेंट केवल इसमें सही करेंगे, बाकी सबकी गलत होगी, सब गलत करेंगे 5% छोड़ के। चलो रंजना ने कह दिया सर 50% होगा, है ना, 500 कौन दिया है जी, राजन कुमार, सतीश सर एकदम क्लियर दिख रहा है ना, देखो ये सही चला है। सर जी मेरे पास भी है जियो फाइबर, बहुत अच्छा, चलो किसी दिन हमें भी दे देना तुम लोग। दिलावर हुसैन कह रहा सर बी होगा, सर मेरे पास भी है, चलो ठीक है ठीक है, 50 साल, बी कह रहे सर 50 साल, गलत कर लिए ना, मुझे पता था कि तुम गलत करने वाले हो। देखो इन्होंने कहा है जब आदमी 35 वर्ष का था, अब कब 35 वर्ष का था पता है, नहीं पता है तो कैसे, कब मानोगे कि कब पैर, तो हम मानते हैं, अपने से मानते हैं कि माना वाई वर्ष पहले आदमी की उम्र जो थी 35 वर्ष थी, है ना। इन्होंने कहा कि जब आदमी 35 वर्ष का था तो हम कैसे मान ले कब 35 वर्ष था, हम मान लेते कि वाई वर्ष पहले 35 साल का रहा होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, 2 साल 4 साल 10 साल, तो वाई वर्ष पहले, तो दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी आदमी की उम्र 5x है, कितनी है 5x, और वाई वर्ष पहले चले जाएंगे यानी कि वाई वर्ष इसमें से कम कर देंगे तो इनकी उम्र कितनी आ गई, 35 आ गई, है ना। अगर आदमी अभी 5x के उम्र के हैं तो y वर्ष पहले यानी कि y वर्ष घटा देंगे तो इनकी उम्र 35 आनी चाहिए इनके अनुसार, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। अब देखो ऐसे सवाल में दो इक्वेशन बनते, कभी मत डरना, एक इक्वेशन और छुपा है इसमें, कर रखा है तो 5 वर्ष कम थी, ओ देखो जब 35 वर्ष का आदमी था तो इनकी पत्नी की जो आयु थी उन दोनों की आयु के औसत मान से 5 वर्ष कम थी, इनकी जो पत्नी की आयु थी इन दोनों के औसत आयु से 5 वर्ष कम थी। पत्नी की, देखो औसत आयु कैसे निकालोगे, औसत आयु तो ये जो भाई साहब है यानी कि पति जी हैं है ना, और ये जो पत्नी जी हैं 4x उम्र की, ये जो इनकी आयु का औसत यानी दोनों की आयु को जोड़ के 2 से कर देंगे तो 5 वर्ष कम थी। अब देखो ध्यान से फिर से, इन्होंने कहा है जब आदमी 35 वर्ष का कब था, वाई वर्ष पहले, है ना, तो कह रखा है तो उनकी पत्नी की जो आयु है इन दोनों की आयु के औसत मान से 5 वर्ष, तो औसत कर दिए यानी दोनों की आयु का है तो 2 से भाग कर दिए, औसत आ गया, 5 वर्ष कम कह रहा है तो 5 वर्ष कम कर दिए। आपसे क्या पूछा है, आदमी की आयु यानी कि कुल मिला जुला के आपको आदमी की आयु बतानी है यानी 5x, यानी किसी भी तरीके से तुम x अगर निकाल दिए तो काम बन जाएगा। चलो अब x की वैल्यू निकालो और यहां पर रख दो, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे, चलो
चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत ही इक्वेशन आपके लिए सही है, आपको कैलकुलेशन करके आंसर बताना है। बताओ बताओ बताओ, ये जब आदमी 35 वर्ष का था, तो ये 35 ही रखो यहाँ पे, जब आदमी 35 वर्ष का था तो इनकी पत्नी की जो आयु है, इन दोनों की औसत आयु से 5 वर्ष कम थी। तो चलो फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं, और बीच में हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चला गया था, जिसके वजह से हम लोग लाइव से दूर हो चुके थे, है ना। अब सब कुछ सही है, चैट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर जी सब कुछ सही है, राइट। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर है आपको छूट गया होगा, हमने जब सोल्व कर रखा था तो x बराबर जब सॉल्यूशन हो रहा था तो 35 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो 35 रखिए या फिर 5x-y रखिए, है ना, यहां तक आपको बताया था मैंने। उसके बाद क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे, है ना, एलसीएम लेके सोल्व कर दिए, या फिर 2 का गुणा इधर कर दिए, आपका काम हो गया, ठीक है, आपका काम हो गया। और x की वैल्यू 10 आ गई, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो आदमी की आयु पूछा था और आदमी की आयु 5x थी, यानी कि x का जगह 10 रखेंगे, 5×10 यानी कि 50 वर्ष। तो जिन भी स्टूडेंट का 50 वर्ष है वो सही है, बिल्कुल सही है, राइट। यस सर जी सही है बिल्कुल। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा था, और ये थोड़ा सा कैसा सवाल है, एक समकोणिक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, है ना, ऐसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब कह रहा है त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3, 4 है, जो समकोण बना रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 3 और 4 है, अगर 3 और ये 4 है तो ये अपने आप 5 हो जाएगा बिना किसी से पूछे। इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब कह रहा है इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है एक वृत्त, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये वही बात हो गई कि अभी हमने दूसरे सवाल में किया है और इस सवाल में पूछा है, त्रिज्या पूछा है, आर बराबर अभी फार्मूला बताए थे, डेल वाई एस तुरंत लगा दो, इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर बता दो, इसका त्रिज्या का मान कितना होगा, फास्ट, चलिए जल्दी से, जल्दी 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 एकदम फास्टेस्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको आता है, अब आता हुआ सवाल गलत करेंगे तो फिर गलत बात है। चलो यस, ये कौन आंसर कर रहा है, सर जी एक होगा एक होगा एक होगा, अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो आप है नंबर 1, है ना, अगर 1 आ रहा है तो आप है नंबर 1। कैसे, देखो डेल का मान अभी आपको बताया था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितनी है 4 है और ऊंचाई कितनी है 3 है, और एस का मान होता है a+b+c/2, यानी कि 3+4+5/2। तो पहली बात देखो ध्यान से अगर करोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, ऊपर कितना हो गया 4 × 3, नीचे कितना है 4×3 7 और 5 12 12, है ना, तो ऊपर 4×3 12 12 से 12 कट गया, कितनी बार में, एक बार में, तो इसके त्रिज्या का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये सही हो जाएगा। अगर आपको आया होगा तो देखो जो चीजें आपने पढ़ा है
तुरंत आपने ही आंसर किया कि सर 1 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए कहते हैं अगर एग्जाम से पहले किसी भी तरीके से तुम लोग क्लास में अगर आए हो, पढ़े हो, तो आंसर तो कर ले जाओगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें होगी जो कभी पढ़े ही नहीं, जिनके लिए बिल्कुल ये नया सवाल है, वो पूरी ताकत लगा देंगे फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जो पढ़ा है आसानी से हंसते हुए आंसर कर देगा, सर जी 1 होगा 1 होगा 1 होगा, है ना। हेलो, हो गया क्या सर? हेलो, ए आ गए क्या सर? हाँ आ गए, फोन काट दिए, है ना। सभी के सभी नए क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर जी मौज कर दिए। हाँ मौज करेंगे आप लोग। और ये देखो, ये भी अलग सवाल है, न्यू सवाल है, बट ये सवाल मैं आपको चाहूंगा कि आप होमवर्क में आंसर बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान सा सवाल है और आंसर करेंगे, है ना, और बहुत आसानी से, क्योंकि आज इतने जबरदस्त सवाल आपको, मैं मुझे खुद फील हो रहा है कि आपको सुपर स्पेशल सवाल सभी कराए गए हैं, सब न्यू के न्यू सवाल थे। और जो स्टूडेंट पूरी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, पॉलिटेक्निक की, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पॉलिटेक्निक की नंबर 1 पूरी तैयारी जो करना चाहते हैं उन सबका स्वागत। अगर आपको सरकारी कॉलेज सच में चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से RACEVA रेशवा अकेडमी का मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड कर लेंगे, ताकि बाद में भूल जाएंगे, है ना। रेशवा अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहीं से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। और कितने में? केवल और केवल 299 रुपये में, 299 रुपये में अपना फुल कोर्स चालू कर लेंगे और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करेंगे। अगर आप ऐप से चाहते हैं तो खुद से कर लेंगे, या फिर आपको आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी और से फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करा के जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर याद कर लो, 9614980025, यानी कि अशोक मौर्य नाम शो कराएगा सभी जगह, पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि सर पॉलिटेक्निक का क्लास चालू कर दीजिए, तो ऐप में और टेलीग्राम में दोनों जगह प्राइवेटली आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। या फिर आप हमें इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9628004708, ठीक है। सभी सब्जेक्ट पढ़ना है जिन्हें बेहतरीन तरीके से है। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको नए 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 सुपर स्पेशली क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अपना काम मैंने कर दिया है, अलग अलग क्वेश्चंस करा दिया है, अब आपकी बारी है कि अगर आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कुछ क्वेश्चन, कुछ आप क्वेश्चन से सीखे, चाहे वृत्त के सवाल हो या फिर ऐसे त्रिज्या ऊर्जा निकालने वाले हो, आयु वाले हो, है ना, अलग अलग टॉपिक के हम लोगों ने सवाल किए, तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, बिना लाइक किए मत जाना। और जितने स्टूडेंट नए हैं वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी बात, आपको एक काम और करना है, और वो काम ये है कि अच्छे से रिजल्ट लाने के बाद, है ना, इसका फ्री PDF तो आपको मिल जाएगा। क्लास एंड हो चुकी है, अब जाइए अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, चाय नाश्ता कीजिए, जो भी करना है, है ना। और उसके बाद इसका फ्री PDF डाउनलोड कर लेना। फ्री PDF रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं ज्वाइन है तो मन करेगा तो कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुरंत इसका PDF आपके सामने चला जाएगा, सामने देखो मैं भेज भी देता हूँ, और कुछ पूछना है तो पूछो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, है ना। अच्छा सिस्टम दिया है और आसानी से इसकी PDFs को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से घर बैठे भी इसको फोटो खींच लो केवल, ठीक है, अब इसके बाद डाउनलोड कर लो। जैसे ही ये डाउनलोड हो गया, और उसके बाद अपने देखो, अब यहाँ से तुरंत आपके ग्रुप में पहुँच जाएगा, है ना, आपके ग्रुप में आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलो, आपके ग्रुप में ये रहा, रास्ते में है, और ये पहुँच गया, है ना। जो लोग ग्रुप में
जुड़े होंगे उनके ग्रुप में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग की आज की क्लास शुरू हुई भी और कंप्लीट भी हुई है, बेहतरीन चीज़ें पढ़े। और एक बात, तुम लोग गलती करते हो, तुमको सारी चीज़ें मालूम ही नहीं रहती हैं। पढ़ाई तो करते हो, किसी तरीके से इस चैनल पे पहुँचे हो, तो पढ़ना आप शुरू कर दो। अब आपके पास बहाने नहीं रहेंगे कि सर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। आपके पास सब कुछ है, अगर मोबाइल है तो सब कुछ है। इसलिए डेली सुबह 7 बजे अपने दिमाग में बैठा लो, मम्मी पापा को भी बता दो 7 बजे से 8 बजे तक मुझे काम नहीं देना, मुझे पढ़ाई करना है ना, ठीक है। और उसके बाद हाँ सर बिहार का फॉर्म कब आएगा? बिहार, स्नेहा पूछ रही भी, स्नेहा बिहार से कि सर फॉर्म कब आएगा? गुरुजी मजा आ गया। हाँ कमेंट में भी बताएंगे। ठीक है, बाय बाय सभी को, है ना। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है।